रीवा जिले के त्योथर क्षेत्र का रहने वाला 6 वर्षीय मासूम मयंक आदिवासी खेल खेल में 60 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा, जिसे बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर प्रतिभा पाल से लेकर SP विवेक सिंह तक मौके पर उपस्थित है, साथ ही त्योथर विधायक भी। 25 से 30 फीट खुदाई की जा चुकी है, साथ ही बोरवेल में एक कैमरा भी भेजा गया है, जिससे मयंक के स्वस्थ होने की जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बड़े ही दुख का विषय है। रीवा जिले के मनिका गांव में बालक मयंक खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया है। मयंक को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन पूरी ताकत के साथ प्रयास कर रहा है, वह शीघ्र सुरक्षित बाहर निकल आए, यही हम सबकी प्रार्थना है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कहा है। रीवा जिले के मनिका गांव में एक बालक सूखे बोरवेल में खेलते खेलते चला गया। बड़ी दुख की बात है, हमने रेस्क्यू करने के लिए वहां टीम लगाई हुई है, लेकिन बारिश और मिट्टी में धंसा होना, गीला होने के कारण से काफी कठिनाई आ रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि प्रशासन पूरी ताकत के साथ में हमारे अपने बालक को बचाएगा और इस संबंध में जो जो बन पड़ेगा वो सब करेंगे। मेरे अपने विधायक मित्र सिद्धार्थ तिवारी वहीं मौके पे है, कलेक्टर से मेरी बात हुई, SP से बात हुई, सारी रेस्क्यू टीम लगी हुई है। उम्मीद करेंगे कि हम सब मिलकर के सफल हों। अत्यंत दुखद है, मैंने प्रशासन को पहले भी निर्देश दिए, दोबारा निर्देश दे रहा हूं कि ऐसे कोई बोरवेल किसी क्षेत्र में हो उनको वो तुरंत बंद कराए, खासकर ऐसे सूखे बोरवेल जिसमें पानी नहीं आता, लेकिन ये जिंदगी का बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो इससे बचना चाहिए और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में ऐसी घटना न हो।